क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जब दो वस्तु को समान मूल्य पे बेचते हैं तब पूछा जाता था कि क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, लाभ या हानि बताइए। लेकिन इस केस में देखिए, कहता है जब कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे में कोई वस्तु पहला वस्तु है और यह दूसरा वस्तु हो गया, इसका क्रय मूल्य दे दिया है ए रुपया और इसका विक्रय मूल्य दे दिया है, इसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया है बी रुपया। तब कहेगा यानी इसका इन दोनों में से लाभ या हानि बताइए, यानी कुछ वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी इसमें वस्तु दिया रहेगा, आपसे पैसा नहीं दिया रहेगा। इस केस में क्या दिया रहता है, तो वस्तु दिया रहता है कि हमने एक्स रुपये में, यानी एक ही तरह का वस्तु होता है, यानी एक्स वस्तु को एक्स रुपये दा और वाई रुपये में बी वस्तु को बेचा तो हमें कितने वस्तु का लाभ या हानि हुआ, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। वैसे भी आपको टाइप भी समझना चाहिए, कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने रुपये का लाभ या हानि होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आप लोग को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, ताकि वैसे फॉर्मूला कैसे आता है वो तो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे और यह कंसेप्ट ही है, कोई ट्रिक नहीं है। देखिए तो आपसे पूछेगा लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि बताने के लिए। तो देखिए जब वस्तु का केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं, बट्टे क्या होता है विक्रय मूल्य, बट्टे क्या होता है विक्रय मूल्य और गुना क्या होता है 100, क्या होता है तो 100 होता है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, आप लोग को फॉर्मूला दिखा कि नहीं दिखा पूरा, चलिए दिख रहा, यानी यही फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यह फॉर्मूला आप कहिएगा सर हमको याद करना पड़ेगा, कोई याद नहीं करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझना जाएगा। कहता है कौन सा टाइप है, हाँ ये है ना, कहता पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कल में खरीदा उतने ही रुपये में 15 कल में बेचा तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए अभी पढ़ाए थे ना कि जितने रुपया में यानी एक्स रुपया में एगो कलम खरीदा है और एक्स रुपया में बी गो कलम बेचा है, तो देखिए हम क्यों वस्तु लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा तो समान है, पैसे में हमें कोई लाभ या हानि नहीं होगा लेकिन वस्तु में तो लाभ या हानि होगा। तो वस्तु में हम कितना वस्तु को क्या किए हैं, खरीदे हैं और कितना वस्तु को बेचे हैं, तो जो बेचेंगे जितना खरीदे हैं उसमें से बेचने वाले को घटा देंगे तो वो बच जाएगा, और बट्टा वस्तु के केस में हमेशा विक्रय मूल्य लेंगे, क्या लेंगे तो विक्रय मूल्य लेंगे, लेकिन जब रुपया में दिया रहेगा तो हमेशा क्रय मूल्य लेंगे। यह याद रखना है कि वस्तु के केस में विक्रय मूल्य से भाग देंगे और जब खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य के केस में पैसा के केस जब पैसा वाला बात हो जाएगा तो क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है, लेकिन जब वस्तु का बात आएगा तो विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है। तो चलिए अब देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहता है कि जितने रुपये में 20 कल में खरीदा है उतने ही रुपये में 15 कल में बेचा है, यानी रुपया हमें पता नहीं है तो हम पहला क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हैं, माना कि वो कितना रुपया में खरीदा होगा तो एक्स रुपया में कुछ रुपया क्या होगा एक्स, तो एक्स रुपया में उसने कितना वस्तु को क्रय किया है, यानी क्रय वस्तु कितना है, एक्स रुपया में कितना वस्तु खरीदा है तो उसने 20 वस्तु खरीदा है, यानी 20 वो कलम क्या किया है खरीदा है, और एक्स रुपया में 20 वो बस एक्स रुपया में ही क्या किया है विक्रय वस्तु कितना है, तो विक्रय वस्तु क्वेश्चन में दिया गया है 15, कितना 15, यानी 15 वो कलम क्या किया बेचा, पैसा समान है, एक्स रुपया में 20 वो कलम खरीदा है और एक्स रुपया में 15 वो कलम बेचा है तो आपको कितना कलम का फायदा हुआ, 5 वो कलम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो वही कहता है हमें प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो देखिए इस केस में हमें कितना वस्तु का लाभ हुआ, तो वस्तु में लाभ कितना हुआ, वस्तु में लाभ, यह पहला क्वेश्चन है इसीलिए समझने के लिए, उसके बाद इतना नहीं लिखेंगे, वस्तु में लाभ कितना हो गया
20 में से 15 गया, कितना गया, 5 को वस्तु का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तब कहता है प्रतिशत लाभ या बताइए। तो प्रतिशत लाभ यानी हम जितना रुपया में 20 को वस्तु खरीदे थे, 5 को 15 को वस्तु बेचे, तो 5 को तो लाभ हुआ, इसका मतलब लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे करे मूल। तो देखिए लाभ कितना है, 5 गुना कितना 100 फॉर्मूला के नियम से, अब बट्टे विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य कितना है 15, क्योंकि वस्तु के केस में विक्रय मूल्य पे, जबकि पैसा की जब बात हो तो क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है। अब देखिए 5 × 3 = 15, 30 भाग देंगे इसमें तो 3 × 3 = 9, 3 × 9 यानी इतना परसेंट का क्या हो गया, लाभ या हानि हो गया, यानी 33.1/3% का क्या हो गया, लाभ या हानि होगा। तेरा सर आप तो यहाँ लिखे क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, हम तो यही ना घटा लिए, यही तो होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ। जब यह माइनस में आएगा तो इसका मतलब हानि होगा, जब घटाएंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यह पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन से आप लोग को कुछ नहीं है रखना उठना है, बस बनाना ऐसे ही है, लेकिन कुछ नहीं रखना है, बस बनाना है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है एक बनिया जिस मूल पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल पर 18 वस्तुएं को विक्रय कर देता है, यानी बेच देता है। तो बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। जब ये जितना ही समान रुपया में 25 रुपये को वस्तु खरीदा है और उतना ही रुपया में 18 को वस्तु बेचा, इसका मतलब उसे लाभ हुआ है। तो यानी क्रय वस्तु हमें कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो क्रय वस्तु दे दिया है कितना 25 और विक्रय वस्तु कितना दे दिया है 18। तो प्रति हमें जानते हैं कि क्रय वस्तु है इतना और बेचे हम 18, तो 7 को का लाभ हुआ, तो हमें प्रतिशत लाभ लिख लेगा इस केस में, तो लाभ लिख लेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए 25 में से 18 गया तो 7, अब बट्टे क्या कर बोले हैं विक्रय वस्तु को लेना है और गुने 100 करना है ना। अब देखिए 100 करना है क्यों, देखिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, तो यही में क्रय मूल्य घटा के लिख लिए हैं। अब देखिए नहीं कटेगा तो 700/18 इसको भाग दे दिए, तो 18 × 72 चार बार मिलेगा होता है, तो 18 × 3 कितना 54, हाथ में कितना रह गया 54 यानी 16 रह गया और 0 = 60। तो कितना बार मिला देगा 18 × 18 कितना होता है 144, ये ना होता है 18 × 18 = 44 यानी 18 8 बार में लगेगा, यानी 144 हो गया, कितना बच गया, फिर बच गया 16, तो यानी 16/18 कितना 18। देखिए ये दोनों कट रहा है तो इसको काट लेंगे, ये कितना 8 बार में, ये कटा है कितना 9 बार में, है ना। तो 38.8/9% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। आया कि नहीं आया समझ में आप लोगों को, क्या हो गया 38.8% का क्या हो गया, तो लाभ हो गया इसको, कहीं गलती हो गया क्या। सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, टाइप समझ में आप लोग को आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लाइट भी नहीं है, थोड़ा हम लाइट कम में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये मत बोलिएगा सर लाइट कम में पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। कहता है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद, क्या कहता है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो रहीम को प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यानी रवि कहता है रहीम ने कुछ संतरे इस मूल्य पर खरीदा बेचा, यानी सामान्य मूल्य पर खरीदा बेचा है, तो रहीम ने क्रय वस्तु कितना किया है। तो देखिए क्रय वस्तु है 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी वस्तु कितना है 40 को संतरों का क्रय मूल्य, यानी 50 को संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य यानी जो खरीदा गया पैसा है वो समान है, लेकिन वस्तु कितना क्रय है, यानी मान लेते एक्स रुपया जो कुछ भी होगा, इतना रुपया में 40 को संतरा बेचा खरीदा है,
लेकिन वो बेचा कितना है 50 गो। इसका मतलब हम खरीदे हैं 100 रुपया में 40 गो वस्तु और बेचे हैं 50 गो वस्तु, तो इस केस में हमें क्या आ जाएगा, हानि हुआ कि नहीं हुआ, हानि हुआ कि नहीं हुआ। जब ये निगेटिव वैल्यू आएगा तो हानि होगा, इसका मतलब हानि निकलेगा, तो प्रतिशत हानि बराबर। या नहीं तो अगर समझ में नहीं आएगा तो या लाभ या हानि लिख लेंगे। और हम क्या बताएं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है किसके अनुसार, इसके अनुसार, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। तो देखिए 40 माइनस 50 करना है और बट्टे क्या करना है, विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु के केस में क्या लेना है, विक्रय मूल्य से भाग देना है, गुना 100 है तो 100, यही ना। अब देखिए 50 में से 40 गया तो माइनस में ऊपर 10 बच गया, बट्टे 50 है तो 50 गुना कितना है 100, 50 दूनी 100, इसका मतलब -10 दूनी 20, यानी माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है। आप यहाँ माइनस नहीं भी लिखते वो तो हम ऊपर समझ गए कि हानि होगा, क्योंकि जितना रुपया हम 40 वस्तु खरीदे हैं और उससे ज़्यादा अगर वस्तु बेच रहे हैं तो हमें हानि होगा, ये तो हम पहले समझ गए थे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ लाभ हानि लिख लेंगे, लेकिन अंत में देखेंगे अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि हमें हानि हुआ। कितना हानि हुआ, तो 20% का हमें क्या हो गया, तो हानि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, लाइट भी आ गई है इस बात पर। चलिए करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या बताइए। तो यही क्वेश्चन हो गया, 60 को वस्तु खरीदा है और 75 को वस्तु बेचा है समान रुपया में, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। 100 रुपया में हम 60 को वस्तु खरीदे और 100 रुपया में 75 को वस्तु बेचना पड़ेगा, तो हमारा लागत मूल्य जो है 100 रुपया में 60 को वस्तु खरीदे हैं, लेकिन 100 रुपया में 75 को वस्तु अगर हम बेचे हैं तो 15 वस्तु का तो ऐसे भी हानि हुआ, तो हमें हानि ही निकलेगा। यानी चौथा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्रय वस्तु कितना दिया हुआ है, 60 है ना, विक्रय वस्तु कितना दिया हुआ है, तो विक्रय वस्तु दिया हुआ है कितना, तो 75। तब हमें देखिए जितना रुपया में हम खरीदे हैं 60 वस्तु, उतना ही रुपये में 75 वस्तु बेचे हैं, इसका मतलब हमें हानि हो गया, तो प्रतिशत हानि बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 15 आएगा, है ना। अब हम देखिए हानि हो गया तो हम माइनस नहीं भी लिखेंगे तो हम जान लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं समझते हैं, तो आप लोग हम डायरेक्ट घटा के यहाँ पे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो 60 माइनस 75 बट्टे विक्रय मूल्य के वस्तु के केस में क्या लेना है, विक्रय मूल्य से भाग देना है, गुना कितना है 100, एक ऊपर कितना आ जाएगा 15 बट्टे 75 गुना कितना है 100, है ना। देखिए 15 × 15 15 × 25 75 5 × 20 कितना 100, यानी 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 और माइनस लगाए तो माइनस, यानी माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि हमें 20% का क्या हुआ है, तो हानि हुआ है ना। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए चाहे जैसे भी, हमें लगता है ये टाइप का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया आ गया होगा। अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस भी तो खींचना है और आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है, तो ऐसे इतना कम कम पढ़ाएंगे तो ये तो संभव नहीं है, और मेरे पास वो साधन भी नहीं है कि लाइव क्लास आके 1-2 घंटा क्लास लेंगे, 1-2 से 3 घंटा की क्लास में एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाए, इस तरह का तो है नहीं। तो हम लोग आराम आराम से ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जब ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर बी रुपया में ए वस्तु को बेची जाए, इसका मतलब देखिए ये टाइप हम पहले समझाते हैं आप लोग, यानी देखिए इधर रुपया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रुपया, इधर क्या दिया हुआ है वस्तु, इधर क्या दिया हुआ है वस्तु। अब देखिए कहता है ए रुपया में खरीद कर, यानी ए रुपया में खरीद कर, इसका मतलब यह क्या है क्रय मूल्य, ए रुपया में कितना वस्तु खरीदता है तो बी को वस्तु को क्या करता है खरीदता है, यानी ए रुपया में क्या करता है बी वस्तु खरीदता है, ए रुपया में बी वस्तु खरीदता है और बी रुपया में ए वस्तु बेच देता है, यानी बी रुपया में क्या करता है ए को वस्तु क्या करता है वो बेच देता है, यानी यह विक्रय मूल्य हो गया, है ना। यानी ए रुपया में क्या करता है बी वस्तु खरीदता है और बी रुपया में ए वस्तु बेचता है, कहिएगा सर इसको निकालेंगे कैसे, यह तो अभी किस में है, यह अभी यानी अल्फाबेट में दिया हुआ है, अगर आपको अंक में दिया रहता तो आपको क्या करते दोनों को एलसीएम लेकर बराबर कर लेते। तो देखिए कुछ नहीं करना है,
दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे होता है, जब दो को हम पढ़ाए हैं जैसे दो है और तीन है, इसको बराबर करने का क्या तरीका है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए दोनों का एलसीएम, तो तीन दोनों छः है ना, हो गया दोनों का एलसीएम ले लिए, तो यह ना हो गया कि यह संख्या जो है यानी दोनों का एलसीएम, योग एलसीएम क्या होता है छोटी से छोटी संख्या, तो यानी देखिए यह दो और तीन दोनों को मतलब दोनों को मिला के क्या बन जाएगा छः बन जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या जो दो और तीन दोनों से विभाजित हो, यह ना होता है एलसीएम, यानी इससे भी विभाजित है इससे भी विभाजित हो, तो इसी तरह यहाँ इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर नहीं कुछ लगा तो एक, जब ये एक से लगा तो दोनों गुना हो गया तो छः हो गया, तो इसी तरह यहाँ भी नहीं लगा तो एलसीएम क्या लगा ए गुना बी। अब क्या करते हैं इस एलसीएम से, क्या करते हैं इसमें, इस एलसीएम में क्या करते हैं तो इनसे भाग देते हैं, किन से, इसी से ना भाग देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं तो छः आया और इसी एलसीएम में ना इस दोनों संख्या से भाग दिए हैं, तो इस एलसीएम में पहले संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो बी से बी कट जाएगा, इसका मतलब ए बच जाएगा, तो इस संख्या में ए से गुना हो जाएगा क्योंकि बी से बी कट गया। इसी तरह इस ए बी में अगर ए से भाग देते हैं क्या बच जाएगा बी, इसका मतलब यह बी से क्या हो जाएगा कटेगा, सॉरी गुना होगा, यह ना हो गया, तो यानी इसको हम देखिए अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, तब पूछेगा आपसे लाभ या हानि बताइए, तो अब आपको दे देगा कि हम इतना वस्तु इतना रुपये में खरीदे हैं और इतना वस्तु इतना रुपये में बेचे हैं तो हमें लाभ होगा या हानि, तो हमें एलसीएम देखेंगे कि यहाँ पे कितना रुपया आया है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि इतना रुपया में हम इतना वस्तु को क्रय किए हैं, इतना हिसाब से इतना वस्तु को क्या किए हैं विक्रय किए हैं, तो हमें कितना वस्तु का लाभ या हानि होगा वही हम लोग को लिखना है। और हम लोग जानते हैं यानी वस्तु के केस में हमेशा क्या लेना है विक्रय मूल, और क्या कहते हैं रुपया के केस में क्या लेना है तो क्रय मूल लेना। अब देखिए अब हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं तो क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें देखिए किताब में भी फॉर्मूला यही दिया हुआ है, आप इसको भी लिखिएगा प्रतिशत लाभ या हानि बनाइएगा, देखिए प्रतिशत लाभ या हानि कहेगा निकालने के लिए, यह फॉर्मूला आया कैसे आप पढ़ते तो देखिए ऐसे ही आया किताब में जो आया है फॉर्मूला वो हमें आप लोग को यहाँ समझा दिए, क्या किया गया है करे मूल करे वस्तु की संख्या का स्क्वायर, करे वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की, यानी करे वस्तु की संख्या का स्क्वायर है ना, विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर तो माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर कर दे रहे हैं, और फॉर्मूला में लिखा गया है कि विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर, नीचे में क्या विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर है ना, देखिए करे वस्तु की संख्या कितना है बी, विक्रय वस्तु की संख्या कितना है ए, तो बी का स्क्वायर माइनस इधर क्या हो गया बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है ना, हो गया यानी ए रुपया में बी वस्तु खरीदा है और बी रुपया में ए वस्तु बेचा, तो करे वस्तु का स्क्वायर और माइनस विक्रय वस्तु का स्क्वायर यह ना दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लिखेंगे, तो देखिए तो इसका मतलब अगर हम इस तरीका से, तो हम आपको बताए हैं कि यह फॉर्मूला कहाँ से आएगा किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यानी विक्रय वस्तु करे वस्तु का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस विक्रय वस्तु का स्क्वायर कितना है ए का स्क्वायर बट्टे विक्रय वस्तु का स्क्वायर ना नीचे में विक्रय से भाग देना है तो कितना है विक्रय वस्तु कितना है तो ए है तो ए का स्क्वायर, प्रतिशत लाभ हमें लेना है तो गुना कितना हो जाएगा 100, ये ना हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा गुना 100, यानी यह कॉन्सेप्ट था थ्योरी क्लास था इसलिए हम इसको थोड़ा समझा दिए आप लोगों को। अब देखिए इसमें भी ऊपर की तरह जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा अन्यथा क्या हो जाएगा तो हानि होगा। अब हम थोड़ा कलम थोड़ा भर लेते हैं क्योंकि थोड़ा आप लोग को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन। अब हम आप लोग को क्या करते हैं क्वेश्चन बताते हैं,
पहला क्वेश्चन को दोनों तरीका से बताएंगे, उसके बाद जो है फिर अपना तरीका अपनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है रीता ने 10 रुपया में 15 वस्तुएं खरीदा और 15 रुपया में 10 वस्तुएं बेच क्या किया, बेच दिया, यानी खिलौना है तो खिलौना बेच दिया, तो बताए उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी देखिए आपको क्या बताया था, इस साइड क्या लिखना है, रुपया लिखना है और इस साइड क्या लिखना है, वस्तु, है ना। यानी 10 रुपया में शुरू में क्या कहा गया है कि 10 रुपया में इन्होंने 15 वस्तु को क्या किया या क्रय किया, है ना। अब आगे कहा गया है कि 15 रुपया में क्या किया गया है, तो 15 रुपया में 10 वस्तु को क्या किया, बेचा, यानी यह विक्रय किया गया। तो हम क्या बताएं, दोनों में से किसी को आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी को बराबर कर सकते हैं। अगर वस्तु को बराबर, अगर रुपया को बराबर करते हैं, रुपया को अगर बराबर करते हैं तो इससे निकलेगा, अगर वस्तु को हम बराबर कर लेते हैं तो इससे निकलेगा। तो चलिए हम वस्तु का बराबर करते हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखिए 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 15 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जो लेंगे इन दोनों का क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस 30 में इस 15 से भाग देंगे तो 15 × 30 यानी 2 बार में, इसका मतलब इसमें 2 से गुना, और इस 30 में इस 10 से भाग देंगे तो 3 बार में, इसका मतलब इसमें 3 से गुना, यानी 10 गुना कितना हो गया, इधर निकल गया कितना, 20, और देखिए 5 दिया कितना, 15, है ना हो गया। इसका मतलब ये एलसीएम कितना है, 30 वस्तु जो है, 30 वस्तु हमने 20 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और 30 वस्तु जो है 15 रुपया में क्या किया है, बेचा है। यानी 30 वस्तु जो है हमने खरीदा कितना रुपया में, तो 20 रुपया में, और बेच कितना दिया 30 वस्तु, तो 15 ही रुपया में बेचे हैं, तो हमें क्या होगा, हानि होगा कि नहीं होगा, हानि होगा कि नहीं होगा, हानि। तो हानि प्रतिशत, यह था यह अपना तरीका, क्या हो गया, यह हो गया अपना तरीका, हानि होगा, इसका मतलब हानि इन दोनों का अंतर होगा, है ना। देखिए 20 में से 15 घटा लेंगे, है ना, 20 में से 15 क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये कितना आएगा, 5 बट्टा, यहाँ देखिए क्या है, यह रुपया है, क्योंकि यहाँ वस्तु को ना बदले हैं, लेकिन आया तो वैल्यू किस में, रुपया में है, तो 5 वस्तु के रुपया के केस में क्या लेते हैं, क्रय मूल्य, कितना, 20 गुना 100, है ना। देखिए 5×20 तो 4 काटेंगे कितना, 25 बार में, है ना, तो यानी 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25% का हानि हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया है, देखिए 10×20 तो सही है, 15 यहाँ कितना आ जाता, 45 ना हो जाता, 15 गुना कितना आ जाता, 45, इसीलिए तो गलती हो गया। यानी अब हमें लाभ कितना, देखिए सोचते कैलकुलेशन कर, देखिए अब देखिए 30 वस्तु है, यानी इधर वाला वस्तु को हम बराबर किए हैं, तो यह क्या है, वस्तु, यानी 20 रुपया में 30 वस्तु को हमने क्रय किया है और 45 रुपया में 30 वस्तु को विक्रय किया है, तो हमें 25 रुपया का फायदा हो गया। तब ये क्या हुआ था, तो उस समय में कैलकुलेशन में गलती हो गया, प्रतिशत लाभ ना निकालेगा, प्रतिशत लाभ क्या होता है, घटा लेंगे, ये रुपया है तो रुपया में कब कैसे किस में से घटेगा, विक्रय मूल्य में से करे मूल्य घटेगा, तो इन दोनों का देखिए लाभ, यानी करे 20 रुपया बेचे 45 रुपया, लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ है 25 रुपया का बट्टा, रुपया के केस में क्या लेते हैं, करे मूल्य, तो 20
गुना क्या आता है 100, है ना। चलिए 20 पंचे 100, तो 25 पंचे कितना 125% हो जाएगा, है ना, आ जाएगा आंसर। अब कहेगा सर किताब के तरीका पे बताइए, तो उस पर भी बताते हैं, टेंशन कर लेते हैं। किताब के तरीका पे देखिए, यह है बेसिक कंसेप्ट। क्या है यह बेसिक कंसेप्ट? अब हम आपको बताते हैं कि किताब के तरीका पे कैसे बनाया गया। किताब में डायरेक्ट क्या किया गया है, प्रतिशत लाभ या हानि यह नहीं किया गया। आपको डायरेक्ट क्या किया गया है, जितना वस्तु को हमने क्या किया है, 10 रुपया में 15 वस्तु को क्रय किए और 15 रुपया में 10 वस्तु को क्या किए बेचे हैं। तो किताब में कुछ नहीं किया गया, ऐसे लिख दिया है प्रतिशत लाभ या हानि हमें निकालना है। अगर यह वैल्यू प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। तो क्या कहता है, क्रय वस्तु का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु का स्क्वायर। अब वस्तु के केस में विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय वस्तु का स्क्वायर अगुना कितना है 100 है, तो 100। अब देखिए क्रय वस्तु कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब बट्टे विक्रय वस्तु कितना है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर अगुना कितना है 100 है, तो 100। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जिसको अब यह याद नहीं होगा तो उसे दिक्कत होगा। देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर 10 का स्क्वायर कितना देगा 100, और गुना में 100 है, तो मतलब यह 100 से यह 100 गया। अब 225 में से 100 गया तो 125 से ना होगा, इतना प्रतिशत का क्या आ जाएगा लाभ हुआ। तो यह क्यों लाभ हुआ, क्योंकि यह वैल्यू जो है हमें प्लस में आया, अगर माइनस में आता तो हानि होता, यानी यह वैल्यू हमें किस में आया तो प्लस में हुआ, तो यह क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब तो कहिएगा सर यही तरीका अच्छा है, लेकिन यह तरीका आपके दिमाग से उतर जाएगा, बार बार नहीं बनाइएगा तो यह तरीका आपसे दिमाग से उतर जाएगा, बार बार नहीं बनाइएगा तो यह तरीका क्या होगा आपके दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पीछे बताए हैं कि वस्तु के केस में क्या होता है, हमेशा भाग देना है किसे, तो विक्रय मूल्य से, ये याद रखना है, क्योंकि पिछले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते थे और बटा विक्रय मूल्य से भाग देते थे, लेकिन इस टाइप में क्या है, क्रय मूल्य का स्क्वायर कर दिया और विक्रय मूल्य का भी स्क्वायर कर दिया, अब बटे भाग भी दे रहा है तो विक्रय मूल्य के स्क्वायर से, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा इस तरीका में। अगर इस तरीका को आप एक बार बना लेते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना हम क्या किए बराबर कर लिए हैं। वैसे आपको कहेगा 10 रुपये में 15 वस्तु को खरीदे हैं और 15 रुपया में 10 वस्तु को बेचे हैं, तो आपको कोई अनुमान ही नहीं है हमने कितना रुपया लगाया कितना रुपया नहीं लगाया। तो इससे क्या हो गया, हम दोनों के एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम जो आया उस एलसीएम से क्या कर दिया, भाग दे दिए इस संख्या से, तो हमें करे गुण पूरा पता चल गया कि हमने टोटल कितना, देखिए करे की है 15 वस्तु और विक्रय की है कितना, इतना रुपये में 30 वस्तु को क्या किए बेचे हैं, यानी हमें लाभ कितना होगा, तो लाभ जो वस्तु होगा यानी जो हम निकाले हैं इसका एलसीएम कितना है 30, यानी हमने टोटल क्या किया, हमारे पास टोटल 30 वस्तु हो गए, यानी क्रय विक्रय को दोनों मिला करके। तो देखिए 20 रुपया में 30 गो वस्तु हम खरीदे हैं और 45 रुपया में 30 गो वस्तु को बेचे हैं, तो हमें कितने का 25 गो का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ से फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। अब कुछ किया नहीं गया, किया गया यही कैसे, करे मूल्य का स्क्वायर, यानी हमने यहाँ पैसा को, अगर यहाँ पे हम तो वस्तु को ना बराबर किए, आपका मन है कि हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसको भी बराबर कर सकते हैं, तो कहिएगा कैसे करके दिखाइए, तो करके हम दिखा देते हैं। कंसेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट हम क्लियर करके ही रहेंगे। अब देखिए हम क्या किए थे उस टाइम, वस्तु को बराबर किए थे, इस टाइम हम क्या करते हैं रुपये को बराबर करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम भी 30 हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं होगा, 10-15 का एलसीएम कितना 30। अब 10 से देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 बार में, इसका मतलब इधर 3 है ना। अब देखिए 15 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसका मतलब यह वस्तु आ गया, तो देखिए अब यह गुना मतलब कितना हो गया 15 3 45, यह कितना हो गया 10 2 20। अब जैसे भी बनाइए, आपका मन है इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, यही हम क्या किए थे उसको गुना किए थे, ठीक है, यानी वस्तु का केस भी लेके बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तु का केस लेके बनेगा नहीं बनेगा, 15 3 कितना है 45 और 15 3 45, यानी 30 रुपया में हमने 45 वस्तु को खरीदा और 30 रुपया में हमने क्या किए 20 वस्तु को बेचे हैं,
तो हमें लाभ ना होगा। तो यानी 45 में से 20 घटा लेंगे, वस्तु के केस में क्या लेते हैं 20, क्या लेते हैं विक्रय मूल्य, यह ना लेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना वस्तु है 20 वस्तु, और गुना कितना है 100। देखिए 20 पंचे 100 है ना, 45 में से 20 गया तो 25, और गुना 5 है तो 125 प्रतिशत क्या हो गया प्लस में आया तो लाभ हो गया। कंसेप्ट हर तरीका से आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन यही है कि पहले बार में आपको इतना तरीका बताएंगे तो आप भी बोलिएगा सर क्या आप बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो इसीलिए पहले बार में क्या था फाउंडेशन क्लास में हम हर तरीका का कंसेप्ट दे देते हैं ताकि आपका माइंड क्या हो धीरे धीरे डेवलप हो, इसलिए हम कोई टाइप को नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है तीन तरीका से भी बना है, एक में वस्तु को बराबर कर लीजिए, एक में क्रय मूल्य को बराबर कर लीजिए। अब कह रहा सर यहाँ तो डेट फॉर्मूला, तो ये देखिए किया गया है इसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे हमें क्या किया गया डेट निकाल दिया इतना का स्क्वायर, आप भूल जाइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, नहीं तो बार बार बनाइए तो ये भी याद हो जाएगा, जब बार बार कोई चीज़ बनाने से याद हो जाता है तो बनाइएगा। चलिए तो यह टाइप जो है हम कल ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आज हम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, कल इस टाइप को पूरा हम पढ़ा देंगे, दो वो टाइप है दोनों को एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।